Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोग की तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए कि मैं क्या बना रही हूँ। खैरियत, ये है मुर्गी का सालन, बढ़िया सा मजेदार सा, और ये है चावल, गर्मा गर्म खाना पक रहा है यहाँ। आज मुझे है ना एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया गया है एक बहुत ही प्यारे से क्यूट से एग्जिबिशन में। तो मैंने सोचा मैं तो जा रही हूँ, आप लोगों को भी लेके चलती हूँ वर्चुअली। और आप लोगों का हक बनता है वो कैसे मैं बताती हूँ। बिकॉज ये जो गेस्ट ऑफ ऑनर जो मुझे ये इनविटेशन आया है, ये बिकॉज ऑफ जुलेखाज किचन रेसिपीज की वजह से ही आया है। और यूट्यूब चैनल पर हमारे माशाल्लाह अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है। सो आप लोगों के साथ तो मेरा ये उसकी वजह से मिला है, तो मुझे आप लोगों के साथ तो ये शेयर करना बनता है। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों को लेती चलूँ। एक और बात, मुझे ये एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा क्या कहते हैं इसे फैसिलिटेट किया गया जुलेखाज किचन रेसिपीज के लिए ही फैसिलिटेट किया गया था। तब मैं व्लॉग बना नहीं पाई थी, बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा था व्लॉग बनाऊं कैसे, कैसे बनाते हैं, मतलब वो आता नहीं है एकदम। सो इट माइट गेट यू नो कि अगर गलती हो जाए तो मजा नहीं आता है, यू नो। सो दैट्स द रीजन मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन इस टाइम मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गुफअप हो जाएगा, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ। आप लोगों को पता है मैं रेसिपीज पोस्ट करती हूँ, जो मैं खाना पकाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, ये सबसे पहले तो मैं नमाज वगैरह भी पढ़ रही हूँ। इनफैक्ट जो पढ़ना होता है जुम्मे का, आज जुम्मा है, तो उस हिसाब से पढ़कर क्विकली मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद रेडी होने जाती हूँ। तो चलिए मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे मुझे एक पिछले वाले व्लॉग में है ना किसी ने बोला था कि मेकअप ट्यूटोरियल देना आप, मैं इसमें देखिए आप, मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ उनका लिखा हुआ कमेंट। मैं कैसे दूंगी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। मैं तो कोई चीज लगाती हूँ उसके बाद भूल जाती हूँ, हाँ ये लगाना था उससे पहले, जाने दो अभी कोई वादा नहीं, किसी को पता थोड़ी चलता है कि इसके पहले लगाया कि नहीं। सो मेरे से तो हमेशा ऐसे ही गूफ अप हो जाता है। तो ये तो पॉसिबल शायद नहीं होगा, क्योंकि ये मेकअप आर्टिस्ट यूट्यूबर मेकअप आर्टिस्ट है या जो एकदम वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट है, अगर वो देखेंगे और वो देखेंगे तो वो कहेंगे बहुत ही खराब किया है जुलेखा, हम लोग आपको सू करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो, मुझे करना चाहिए, आप लोग क्या बोलते हो जरूर बताना मुझे। मेरा एक क्लोदिंग लाइन भी है जहां मैं डिजाइनर वेयर्स बनाती हूँ। ये मेरा खुद का बनाया हुआ आउटफिट है हमारा, तो अगर आपको कैसा लगा है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इंस्टा का मैं आईडी आपको दे देती हूँ, आप बाकी की डिटेल्स वहां पूछ लीजिएगा मुझसे। तो चलिए मैं निकल रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। अजान, मेरी नीचे कैब आ गई, बाय बाबू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, चलो बाय करो, बाय करो, चलो मैं निकल रही हूँ। मैं पहुंच गई बट मैं बहुत लेट पहुंची हूँ, बाप रे। These are different types of tasters, basically, okay. And these are the products. So we have pani puri masala. Masale hain sare, ye like. We have different types of seasonings as well. Okay. माशाल्लाह, इतनी हिम्मत चाहिए होती है ये सब सेटअप करना और फिर बेचना, और बहुत ही हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज। शेयर भी करते हैं।
माशाल्लाह ये पहली टाइम था जहाँ मैं एज जुलेखा किचन रेसिपीज के हिसाब से मैं बाहर निकली थी, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, मेरे सब्सक्राइबर्स से मिलके अच्छा लगा, मेरी यूट्यूब फैमिली से मुझे मिलके अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह। थोड़ी देर पहले मैंने जो पार्टी वेयर हर कोई अपने ब्रांड के बारे में इतना पैशनेटली लेडीज बता रही थी सब, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई जो ब्रांड्स हैं उन लोगों ने माशाल्लाह इतना सारा मुझे दिया है कि मुझे नेक्स्ट डे आके पूरा इंस्टाग्राम के ऊपर डालना पड़ा। सबको पसंद आया था, स्टेटस वगैरह आप जो डालते रहते हो
लेकिन अभी रिसेंटली जो आपने स्टेटस डाला था सीजनर, तो वो भी मैंने ट्राई किया। रमजान में ज्यादातर मतलब आपके स्टेटस में फॉलो करती हूँ बनाने और उसको स्टोर करके फ्रीजर में रखती हूँ। रमजान से पहले ही हमने जैसे प्रिपेयर करके फ्रीजर में माशाल्लाह माशाल्लाह। और लाइक भी कीजिए मेरे चैनल, मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगता है कि सारे होममेड आपके मसाले आप यूज करते हैं और हमको भी इजीली वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं, मतलब सारे मसाले हमारे जो होते हैं ना किचन में वो सारे होते हैं। तो मेरा टैगलाइन ही वो है ना कि ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से बनाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू सो मच। तो मैं आ गई हूँ घर और मैं बहुत टायर्ड हूँ, तब मैं मिलूंगी कल सुबह, मैं बात करती हूँ।